नमस्कार, मैं हूं चेतना शर्मा और आप देख रहे हैं NH1 न्यूज़। सुबह से हम आपको जो है लाइव कवरेज यहां से हम आपको दे रहे हैं कि किस तरह से वोट्स जो है यहां पर उसकी काउंटिंग की जा रही है और किस तरह से जो प्रत्याशी जो है जिन्होंने इलेक्शन लड़ी है उनके जो समर्थक में यहां पर लोग जो है काफ़ी सुबह से जो है यहां पर इंतज़ार कर रहे हैं। अभी इनसे बात करते हैं और साथ में हम जानते हैं कि क्या लग रहा है आपको, किस कैंडिडेट के सपोर्ट में ये लोग यहाँ पर आए हैं और किस तरह की जो एक्साइटमेंट जो है वो देखने को मिलती है। तो सर, किस कैंडिडेट को आप यहाँ पर सपोर्ट करें, क्योंकि हम लोग देख रहे हैं सुबह से जो है यहाँ पर आप लोग इकट्ठा हुए हैं। देखिए, यहाँ पॉलिटेक्निक कॉलेज के बाहर जो अंदर से रुझान आ रहे हैं, इसमें हम आरएसपुरा से आए हैं। आरएसपुरा म्यूनसिपल्टी का प्रेसिडेंट हूँ मैं, चेयरमैन हूँ आरएसपुरा म्यूनसिपल्टी से, और भाजपा से जीता हुआ वहाँ पर भी, और भाजपा पांचों सीटों पर लीड कर रही है। आरएसपुरा, सुचेतगढ़, बिश्नाह, मीरा साहब, अरनिया पांचों पर लीड कर रही है, और ये हमारा पार्टी के माध्यम से आरएसपुरा जिला है और जिले की पांच सीटें हैं जो ब्लॉक्स की हैं तीन विधानसभाओं में। तो हम ये निश्चय करके आए हैं और पब्लिक ने जो वोट डाला है उससे ये रुझान आ रहा है कि ये पांचों सीटें भारतीय जनता पार्टी जीतेगी जो आरएसपुरा जिला है भारतीय जनता पार्टी की दृष्टि से। तो क्या लगता है कि भारतीय जनता पार्टी एक बार फिर जो है बाजी मारने वाली है? भारतीय जनता पार्टी ही बाजी मारेगी और कोई पार्टी यहाँ पर दूर दूर तक नजर नहीं आ रही हमको। तो किस तरह की एक्साइटमेंट है सर आपको, क्योंकि हम लोग देख रहे हैं सुबह से जो है यहाँ पर वेट किया जा रहा है और अभी पता नहीं कि कितना टाइम लगेगा काउंटिंग जो है ख़त्म होने में, तो किस तरह की एक्साइटमेंट है? इस बार तो भाजपा ही जीतेगा और बाकी लोगों की जमानतें जब्त हो जाएंगी, जैसा माहौल है आगे भी भाजपा ही जीतती है, इस बार ही भाजपा जीतेगी। तो क्या लग रहा है किस तरह के काम जो है वो आगे होने वाले हैं, क्योंकि पहली बार जो है DDC इलेक्शन जम्मू कश्मीर में की गई है और भारतीय जनता पार्टी जो है वो लीड कर रही है। जैसे पहले भारतीय जनता पार्टी काम करती थी, अब उससे भी डबल काम होंगे हमारे, जितने भी यहाँ पे हैं जीतेंगे कैंडिडेट वो इससे भी ज़्यादा काम करेंगे। तो रिजल्ट्स डिक्लेयर होने के बाद क्या लगता है किस तरह का नज़ारा जो है यहाँ पर देखने को मिल सकता है? नज़ारा तो आप खुद देखेंगे, यहाँ पर रहेंगे तो नज़ारा आप देखेंगे यहाँ पर कैसे फुलचड़ियाँ और ढोल नगाड़े बजते हैं। यहाँ पर 370 और 35 टूटने के बाद ये जम्मू में पहला चुनाव है और भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता उत्साहित है और लोगों ने भी बढ़ चढ़ कर वोट डाला है। नज़ारा तो शाम को 6 बजे के बाद ही दिखेगा यहाँ पर। तो कुछ और लोग भी इस वक्त हमारे साथ हैं, इनसे भी जान लेते हैं। तो सर, किस पार्टी को सपोर्ट कर रहे हैं? हम तो BJP की सपोर्ट करते हैं, शुरू से ही BJP के साथ जुड़े हुए हैं। हमने इस बार जो पहले वोट हुए उससे भी ज़्यादा बढ़कर हमने वोट डाले हैं भारतीय जनता पार्टी को, और जो पहले काम हुए थे उससे भी ज़्यादा काम अभी करवाएगी भारतीय जनता पार्टी। नरेंद्र भाई मोदी जो हमारे प्रधानमंत्री हैं, उन्होंने हमारे लिए बहुत ही समस्या जो है हल की है हमारी समस्या जो है। तो सर, आप किस पार्टी को सपोर्ट कर रहे हैं? हम BJP को सपोर्ट करते हैं और हम यूथ हैं, सारा जम्मू का यूथ नरेंद्र मोदी जी के साथ है और हम अपने कैंडिडेट श्याम चौधरी के साथ हैं। आज हम जीत के जाएंगे, उनको बता देंगे सभी को कि BJP वालों ने क्या किया है। वो हमको बोलते हैं कुछ नहीं किया, हम बताएंगे आज 6 बजे के बाद BJP ने क्या किया, नरेंद्र मोदी जी ने क्या किया और श्याम चौधरी जी ने क्या किया। तो BJP का काफ़ी बोलबाला यहाँ पर दिख रहा है। कुछ और लोगों से बात करते हैं यहाँ पर। सर, आप किस पार्टी को सपोर्ट कर रहे हैं? भारतीय जनता पार्टी को सपोर्ट करते हैं हम, और चौधरी श्यामलाल जी और भारतीय जनता पार्टी की जो हमारी आरएसपुरा सब डिस्ट्रिक्ट है वहाँ की पांचों सीटों पे BJP लीड कर रही है और हम आशा करते हैं कि 6 बजे के बाद हम ऐसे ही लीड करते करते हम जीत के यहाँ से वापस जाएँ। तो आपने सुना कि किस तरह का उत्साह जो है भारतीय जनता पार्टी के जो सपोर्टर्स हैं उनको देखने को मिल रहा है। बाकी और भी लोगों से हमने बात करने की कोशिश की, लेकिन शायद उन्हें डर है कि उनकी पार्टी जो है इस वक्त लीड नहीं कर रही है, इसलिए वो बात करने के लिए रेडी नहीं है। लेकिन हमने जो है जनता की क्या यहाँ पर व्यूज़ हैं, किस पार्टी को यहाँ पर वो सपोर्ट कर रहे हैं, वो हमने आपको पहुँचाने की कोशिश की। इसी तरह की अपडेट्स लेकर हम फिर लौटेंगे, तब तक के लिए मुझे और मेरी कैमरा पर्सन नेहरानी को दीजिए इजाज़त। देखते रहिए NH1 न्यूज़।